भारत मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ आप हर दो कदम पर मंदिर को देख सकते हैं। हर मंदिर की अपनी कहानी, प्राथमिकता और इतिहास है जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। रख हो या राजा, हर कोई भगवान के शरण में अपने शीश नवाता है और उनका आशीर्वाद लेता है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां खुद कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी अपना सिर झुकाते रहते हैं। उनका मानना है कि अगर वह आज जो कुछ भी है तो माँ देवरी के आशीर्वाद से ही है। इस मंदिर में सिर्फ धोनी का परिवार ही नहीं बल्कि भारतीय टीम के गब्बर यानी शिखर धवन भी अपनी पत्नी के साथ देवी का आशीर्वाद लेने पहुँचते रहते हैं। माँ देवरी का मंदिर रांची से करीबन 60 किलोमीटर दूर टाटची हाईवे पर तमाड़ में स्थित है जो आज देश विदेशों में प्रसिद्ध है। हालांकि यह मंदिर पहले खासा प्रसिद्ध नहीं था लेकिन जब बार बार कैप्टन धोनी बार बार माता देवरी में अपनी हाजिरी लगाने पहुँचते तो हर मंदिर स्थानीय लोगों के बीच ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात हो गया। ऐसा माना जाता है कि धोनी किसी सीरीज के शुरू होने से पहले यहाँ पहुँचते थे। जीवन का अच्छा दौर हो या बुरा, धोनी कभी भी अपनी शोलाभुजी देवी माँ के दर्शन करना नहीं भूलते। बताया जाता है कि साल 2011 वर्ल्ड कप में जीत की दुआ मांगने और जीत मिलने के बाद आभार जताने के लिए धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ माँ देवरी को धन्यवाद करने पहुँचते थे। इसके अलावा दिसंबर 2009 में अपने करियर के शानदार 5 साल पूरे होने पर धोनी ने यहाँ विशेष पूजा भी की थी। माँ देवरी के मंदिर में देवी काली की मूर्ति करीबन 3.5 फीट ऊंची देवी 16 भुजों वाली है। इस मंदिर में स्थानीय देवी माँ की मूर्ति उड़ीसा की मूर्ति शैली जैसी है। इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पूर्व मध्यकाल में तकरीबन 1300 में सिंहभूम के मुंडा राजा केरा के युद्ध में परास्त होकर लौटते समय की थी। कहा जाता है कि देवी ने सपने में आकर राजा केरा को मंदिर स्थापना करने का आदेश दिया था। मंदिर की स्थापना होते ही राजा को उनका राज्य दोबारा प्राप्त हो गया था। आदिवासी और हिंदू संस्कृति का संगम, इस मंदिर को आदिवासी और हिंदू संस्कृति का संगम कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के पुजारी पाहन होते हैं जो हफ्ते में 6 दिन माता की पूजा अर्चना करते हैं और सिर्फ मंगलवार को ब्राह्मण देवी माँ की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि में उमड़ता है भक्तों का सैलाब। इस मंदिर में हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। नवरात्रि के खास पर्व पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। बताया जाता है कि नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में करीबन 20 से 30 हज़ार भक्तों का माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं।